सोहे गई स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर ट्राइडेंट लिमिटेड को लेकर आपने देखा होगा अभी हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के दौरान दो परसेंट की तेजी जरूर देखने को मिली जबकि मार्केट में क्रैक्शन था फिर भी स्टॉक में रैली बनी और इससे ठीक पहले स्टॉक में फॉल भी बना था भाई फॉल क्यों बना क्योंकि आपने देखा होगा अभी आई डिपार्टमेंट का जो है ना छापेमारी हमें देखने को मिली इसके दो प्लांट्स के ऊपर और उसी को लेकर जो ना अभी एक बड़ी अपडेट हमें यह आप लोग देखोगे अदर वेबसाइट से देखने को मिली और जैसे ही आप लोगों ने देखा होगा भी एक्सचेंजेस जैसे भी उन्होंने क्लियरिफिकेशन मांगा तो उसके बाद जो अभी कंपनी ने क्लियरिफिकेशन भी दिया उस क्लेरिफिकेशन के अंदर क्या बोला गया वो आपको बताएंगे जैसा कि आपने देखा होगा अभी क्लेरिफिकेशन में पूछा गया है कि ये है जो न्यूज़ आई है बिजनेस स्टैंडर्ड स्टैंडर्डल वेबसाइट के ऊपर क्या ये रूमर है सच है क्या है क्या है, नहीं तो उसके बारे में कंपनी ने बोला हाँ छापेमारी हुई है और हम जो ना भी लेट हुए हैं ये डिस्क्लोज करने में अगर ऐसा पहले कर देते तो इससे जो ना भी आप लोग देखोगे स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता ठीक तो इसलिए उन्होंने जो ना न भी थोड़ा टाइम लेते इसको डिस्क्लोज किया बाद में और इसका जो असर है वो स्टॉक के ऊपर कुछ ज़्यादा भी नहीं हुआ है थोड़ा बहुत स्टॉक में फॉल बना लेकिन इसी इन्फॉर्मेशन के चलते कोई और अपडेट्स नहीं आते नजर आई है बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पर जो ना अभी छापेमारी हुई लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला नहीं है वहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है ट्राइडेंट लिमिटेड लिमिटेड की तरफ लिमिट 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 से उसके बाद आप लोग देखोगे क्वार्टर टू से रिलेटेड कुछ एक आंकड़े भी आते हुए नजर आए हैं कैसे आंकड़े हैं वो देखेंगे साथ में कल के दिन उसका कैसा क्या इफेक्ट रहेगा स्टॉक के ऊपर वो भी जानेंगे यहाँ पर देखोगे पैंतीस पचास के भाव में स्टॉक ने क्लोजिंग ली है और दो करोड़ तेईस लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम भी आते हुए नजर आई और यहां पर आर से एम एफ आई की बात करें तो ये आपको ठीक ठाक रेंज में थर्टी नाइन एंड थर्टी सिक्स के आसपास दिखाई दे रही है फोर्टी फोर पीई थोड़ा सा हाई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं इतना भी ज्यादा हाई नहीं है तो चलिए अब देख लेते भी क्वार्टर ले टू से रिलेटेड आखिरकार क्या आंकड़े हैं और उनका कैसा इफेक्ट स्टॉक के ऊपर रहेगा तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी की तरफ से क्वार्टर टू के सितंबर क्वार्टर के जो न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्नस हैं वो डिस्क्लोज कर दिए गए हैं कैसे रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे प्रमोटर्स की होल्डिंग हमें सेम देखने को मिली है जिसके अंदर में कोई भी चेंजेस आते नज़र नहीं आए बात करें एफ आई एफ पी आई की तो यहाँ पर हमें होल्डिंग इंक्रीज़ होती हुई नजर आई है प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी टू पॉइंट फोर सेवन परसेंट और अब हो चुके हैं टू पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट के आसपास सेप्टेम्बर क्वार्टर के दौरान वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स का सेम स्टेक हमें देखने को मिला जो पीछे था वही अब की बार और जो आ, टोटल होल्डिंग है यहां पर देखोगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वो टू पॉइंट फाइव टू परसेंट से होकर अब हो चुकी है टू पॉइंट सिक्स वन परसेंट के आसपास डेट तो हमें आते हुए नजर आई है तो सेप्टेम्बर क्वार्टर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हैं वो आ चुके हैं जिसके अंदर आप लोग देखोगे पब्लिक की सेम होल्डिंग ट्वेंटी के आसपास है चेंजेस कहां पर आए हैं चेंजेस आए हैं एफ की होल्डिंग में ठीक है तो चलिए भाई अब देख लेते हैं अभी इसके कल के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं और सबसे पहले जो अपडेट थी तो आपको दिखाती है भाई। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी अक्टूबर को कंपनी की तरफ से नोटिस पब्लिश कर दिया गया था। ठीक उसके बाद जो आप लोग देखो स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा बनते हुए नजर आया क्लेरिफिकेशन दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कंड प्लांट रिलेटेड टू द कंपनी तो कंपनी से रिलेटेड आप लोगों ने देखोगा अभी ये सब कुछ हमें देखने को मिला है और यहाँ पर देखो दे इज जे नो अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द कंपनी एट दिस इस पॉइंट ऑफ टाइम तो इस टाइम अभी कोई भी जो ना अदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो बस यही अपडेट आई थी भी और कुछ नहीं है तो चलिए अब देखते हैं कल के क्या कुछ मोमेंटम हो सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख लेते भाई इसका डाटा प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी चौंतीस पिचासी ओपन हुआ चौंतीस पिचासी फिर नीचे स्टॉक का यही रहा फिर उसके बाद तो शेयर ऊपर में रहे भाई ठीक है तेजी बनी छत्तीस पचास तक लेकिन क्लोजिंग हुई है पैंतीस पचास के आसपास ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे एक सेल ऑर्डर लगा हुआ जो 45, 600, है जो कि पैंतालीस हजार छह सौ सत्तर क्वान्टिट्टी का है डिलीवरी पॉजिशन की बात करें तो ये भी आप लोग देखोगे ट्वेंटी परसेंट के आसपास है डिलीवरी भी कम उठी है सेल ऑर्डर थोड़ा सेलिंग प्राइस स्टॉक के ऊपर आ सकता है अगर मार्केट ठीक ठाक रिस्पॉन्स देती है कल के दिन तो स्टॉक में अच्छे मोमेंटम भी बन सकते हैं तो चलिए अब देखते हैं तेईस चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी स्टॉक में फिर से अच्छे खासे मोमेंटम बन सकते हैं बट अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी जो इसका ऊपर में रेजिस्टेंस बना हुआ है वो छत्तीस रुपये पच्चीस पैसे का अगर ये लेवल ब्रेक हो तो काफ़ी अच्छी बात है भी स्टॉक में फिर से रिकवरी के चांसेस बन सकते हैं अदरवाइज नीचे में जो इसके बाद सपोर्ट रहेगा भाई पहला सपोर्ट रहेगा तैंतीस रुपये पचानवे पैसे का और सेकंड सपोर्ट की बात करें तो अच्छा खासा सपोर्ट है इकतीस रुपये के आसपास है तो ये इसके नीचे में सपोर्ट है इनके ऊपर फोकस कर सकते हो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर स्टॉक ऊपर में छत्तीस रुपये पच्चीस पैसे को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अड़तीस पैंतीस और चालीस पच्चीस के भी लेवल आपको दिखा सकता है और ये लेवल अचीव हो सकते हैं क्वार्टर टू रिजल्ट या फिर आप लोग देखोगे भी इस आई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई और अपडेट आती है जो कंपनी के फेवर में हो तब स्टॉक में जो है ना फिर से अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है चालीस तक के लेवल स्टॉक आपको ऊपर में दिखा सकता है बट मेरी तरफ से बाएस साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी डिसीजन लेना है खुद की रिसर्च एनालिसिस कीजिए उसके बाद अपना आगे का डिसीजन लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो